मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस स्तुति आराधना और वंदना में स्वागत करता हूं। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम इस समय हम प्रभु की उपस्थिति में जाएं, अपने आप को तैयार करें और प्रभु से सामर्थ्य और शक्ति मांगें और कहें कि प्रभु, मुझे आपकी स्तुति करने के लिए, आपके नाम को ऊंचा उठाने के लिए अभिषेक दीजिए। प्रभु, मैं अपने आप को, मेरी आवाज, मेरे गले, मेरी जीभ को, मेरे संपूर्ण सोच विचार, शरीर, आत्मा, प्राण, हृदय को आपको समर्पित करता हूँ। प्रभु, आप मुझ पर कब्जा कीजिए और नियंत्रण लीजिए। मेरी सभी आशा अभिलाषाओं को और मेरी सभी चिंताओं को और मेरी प्रार्थनाओं को, दुर्बलताओं को, कमजोरियों को प्रभु आपको समर्पित करता हूँ। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, आइए इस समय हमारे साथ जुड़कर और बड़े आत्मा, सच्चाई, विश्वास और भरोसे के साथ इस स्तुति आराधना में जुड़ जाइए। तो बड़े उत्साह के साथ ताली बजाते हुए हम इस गीत को गाएंगे और प्रभु की स्तुति करेंगे। मैं तेरे आगे आप चलूंगा और तुझे को विश्राम दूंगा। चिंता ना करो, भय ना खाओ, हाथ पकड़ तुम्हें मैं चलाऊंगा। यस प्रभु, आपका वादा है कि किसी भी बात की चिंता ना करो। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमारा प्रभु हमारे साथ साथ रहता है। ये उसका वादा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ और तुझको विश्राम दूंगा। यस, धन्यवाद यीशु। नहीं छोड़ेगा,
पकड़कर तुम्हें मैं चलाऊंगा। वो प्रभु हाथ पकड़कर आपको और मुझे चलाएगा और तुझको विश्राम करेंगे। पैरों से पत्थर से चोट न लगेगी, पैरों को पत्थर से चोट न लगेगी। स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएगा, स्वर्ग दूत हाथों में उठा ले जाएगा। हालेलुया 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 हालेलुया।
मेरे प्रभु आप विश्राम देने वाले ईश्वर हैं। आपका वादा है कि मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, ऊबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, लोहे के फाटकों को और कांसे के बेड़ियों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। प्रभु तेरा वादा है कि मैं संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं छाड़ूंगा। प्रभु तेरा वचन कहता है मैं प्रभु तुम्हारा ईश्वर हूँ, मैं तुम्हें शक्ति प्रदान कर सहायता करूंगा और अपने विजय दाहिने हाथ से संभालूंगा। मेरे प्रिय भाई, मेरे भाई, मेरी बहन, प्रभु का वादा है, वो साथ रहेगा, वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा। हमारी मुश्किल घड़ियों में, हमारी हर एक प्रकार की दुर्बलताओं में, चलूंगा वो हमारे साथ रहेगा। जैसे वो दानियल के साथ रहा, उसने शेरों की मांस से उसे बचा लिया, जैसे वो सद्रक मेशक और अबेदनगो के साथ रहा, जलती हुई भट्टी में डालने के बावजूद भी उनके बाल उनके कपड़े को कुछ भी नहीं हुआ, और उसने कहा है कि तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं उन्हें दूतों को भेजूंगा और तुम्हारी रक्षा करूंगा। ये उसका वादा है। और उसने दानियल के लिए, दानियल के दोस्तों के लिए अपने दूत को भेज दिया और उस आग की भट्टी में मेरे भाई उतार दिया और उन्हें बचा लिया। वो स्रोत ग्रंथ अध्याय 91 में कहता है तुम जहां कहीं भी जाओगे मैं तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा। वो हमारी आत्मा की रक्षा करेगा। और उसने कहा मैं अपने दूतों को तुम्हारे आगे आगे भेजूंगा। उसने अपने दूत को दानियल के लिए भेजा, ओ एलिया नबी के लिए अपने दूतों को भेजा, वो हमारे लिए भी अपने दूतों को भेजेगा। वो स्वयं आकर हमारी रक्षा करेगा, वो हमें संभालेगा। स्तुति करते जाए, हल्लिया 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 हल्लिया
और तुमको विश्राम दूंगा। प्रभु का वचन हमसे कहता है, हे थके मांदे और बहुत से दबे हुए लोगों, तुम सब के सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा प्रभु, मेरे भाई और बहन आपको विश्राम देने के लिए तैयार है। वो हमको बुलाता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मेरे पास चले आओ। वो अपनी दोनों बाहें फैला करके कहता है, हे मेरे बेटे और बेटियों, मेरे पास चले आओ। वो आज भी हमारा इंतजार करता है, कहता है, मेरा बेटे, मेरी बेटी, यदि तुम थक चुके हो, अपनी बीमारी से थक चुके हो, यदि अपनी समस्याओं से थक चुके हो, कोई रास्ता नहीं मिल रहा, यदि अपने कर्ज चुकाने में तुम असमर्थ हो, कुछ रास्ता नहीं मिल रहा, यदि इलाज कराते कराते आज रो रहे हो, दुख से करा रहे हो, इस आस में हो कि हमें भले मौत आ जाए, लेकिन मेरे भाई और बहन, आज प्रभु आज आपको बुलाता है और कहता है, चले आओ, चले आओ। बोझ से दबे हुए लोगों, आज मेरे भाई हम तमाम प्रकार के बोझ में दबे हुए हैं, चिंता के, निराशा के, कमजोरी के, बीमारी के, दुख के, अपमान के, निंदा के, सताव के, गरीबी के बोझ में हम लोग दबे हैं। वो प्रभु बुलाता है और कहता है, चले आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है, क्या एक दूध में ही बच्चे को, क्या माँ अपने दूध में ही बच्चे को भुला सकती है? यदि वो भुला भी दे तो मैं तुम्हें नहीं भूलूंगा। मैंने तुम्हारा नाम अपनी हथेलियों में अंकित किया है। मेरे भाई, आपको प्रभु जानता है, भले ही आपको कोई जाने या ना जाने, आपके रिश्तेदार, आपके पड़ोसी, आपके अपने आपको जाने या ना जाने, लेकिन प्रभु आपको जानता है, वो आपके साथ है, वो आपके साथ खड़ा है। आपकी समस्याओं में, आपकी समस्याएं उससे बढ़कर नहीं है। जिस प्रभु ने दानियल के लिए उन शेरों के मुंह को बंद कर दिया अपना दूत भेजकर, वो आपके लिए भी ऐसे दूतों को भेजेगा, क्योंकि स्रोत ग्रंथ अध्याय 121 में प्रभु का वचन हमसे कहता है, तुम जहां कहीं भी जाओगे, तुम्हारी आत्मा की रक्षा करूंगा। उसने दानियल की आत्मा की रक्षा की, वो हमारी भी रक्षा करेगा। मेरे प्रिय भाई और बहन, हमने गीत में गाया कि यह हीरो की शर्पना गिर जाएगी। जब उन लोगों ने 7 बार परिक्रमा करने के बाद यहरो की दीवार की 4 और घूमकर 7 बार प्रभु के नाम की दुहाई लेते हुए और ऊंचे स्वर से उससे पुकारा, उसकी स्तुति की, वो दीवार गिर गई। आज इस समय हम उसके नाम को पुकारें, उसके नाम की दुहाई दें। प्रभु का वचन कहता है, यदि तुम मुझे पुकारोगे तो मैं तुम्हें उत्तर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, ऊंचे स्वर से उसकी दुहाई देते हुए उसको पुकारो। मेरे प्रिय भाई, आज अपनी समस्या में आप उसे पुकारिए। उसका वचन कहता है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं है कि वो आपका उद्धार न कर सके, उसके कान बहरे नहीं है कि वो तुम्हारी सुन ना सके। वो सुनने वाला है, बस हमें जरूरत है कि हम उसे पुकारें, उसके पास चले आएं। जैसे यहीरो की दीवार गिर गई ऊंचे स्वर में एक साथ पुकारने पर, वैसे ही आज हमारे जीवन में कई प्रकार की समस्याएं दीवार बन करके खड़ी हैं। आज उन दीवारों को गिराने के लिए पुकारें, उन दीवारों को गिराने के लिए प्रभु को पुकारें। अपने हाथों को उठाएं, घुटने में आ जाएं, अपनी आवाज को बुलंद करें और पुकारें। एक बार और मेरे साथ प्रभु की स्तुति करें, हालेलुया 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 हालेलुया। आइए समय हम प्रार्थना करें।
धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता इब्राहिम इसहाक और याकूब के परमेश्वर सर्वशक्तिमान दयालु प्रभु, हम आपकी स्तुति करते हैं, हम आपकी आराधना करते हैं। आपके पास हम आपके बच्चे आए हैं, हम आपको पुकारते हैं। प्रभु हम पर दया कीजिए। प्रभु आज मैं तेरे इन लोगों के लिए आपसे दुआ करता हूँ। प्रभु आप इन पर रहम और तरस खाइए, अपने अनुग्रह से, अपनी दया से भर दीजिए, अपनी गहरी शांति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, जैसे आपने दानियल की रक्षा की, अपने लोगों की रक्षा कीजिए और इन्हें बचाइए, इनके बोझ को हल्का कीजिए। प्रभु इनकी समस्याओं से इन्हें छुटकारा दीजिए, इनकी कमजोरियों से इन्हें छुटकारा दीजिए। प्रभु आपका हाथ इतना छोटा नहीं है कि हमारा उद्धार ना कर सके। अपने हाथ को प्रभु, उस जुदे हुए हाथ को जिसमें प्रभु आपने मेरे लिए कीलों को ठुकवा लिया और मेरा नाम अंकित किया, उसी हाथ को प्रभु अपने लोगों पर बढ़ाकर आशीर्वाद दे और तरस खा दया कर, हमारा उद्धार कर प्रभु, हमारा कल्याण कर, हमें मुक्ति दे, हमें छुटकारा दे, बंधनों से आजाद कर दे। मेरे प्रभु इस समय में हर एक प्रकार के बंधन को प्रभु तेरे इन लोगों के जीवन से तेरे नाम पर मैं टांट देता हूँ। यीशु प्रभु के नाम पर हर प्रकार की दीवार, हर प्रकार की समस्या, हर प्रकार की उबड़ खाबड़, रास्ते, बेड़ियां, यीशु प्रभु के नाम पर तेरे इन लोगों के जीवन से नष्ट हो जाएं, दूर हो जाएं यीशु प्रभु के नाम पर। क्योंकि प्रभु आपका वचन कहता है, यदि तुम शत्रु शैतान को अपने बीच से डांटोगे वो भाग जाएगा। यीशु प्रभु के नाम पर हर प्रकार की बीमारी, गरीबी, समस्या, दुख, चिंता, निराशा, कमजोरी यीशु के नाम पर नष्ट हो जाए। प्रभु तेरी अभिषेक से भर दे, आत्मा के सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, हमें छुआ है प्रभु, तेरे लोगों को छुआ है तूने, उन पर दया दिखाई है, तरस खाया है प्रभु। हम तुझे धन्यवाद देते हैं हमारे साथ रहने के लिए, हर पल हर क्षण हमारे साथ चलने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, सारी महिमा, सारा आदर हम आपको देते हैं और इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम पर हम मानते हैं। मेरे साथ एक साथ कहें आमीन, आमीन, आमीन। सबको जय यीशु, जय यीशु।